चोर चोरी करता है वो कहीं तक तो ठीक है, पर अगर पुलिस चोरी करे तो क्या? कानपुर देहात के थाना मूसा नगर व घाटमपुर बॉर्डर का मामला, जहां भेड़ी जलाला से मोरंग लौट कर मूसा नगर के रास्ते घाटमपुर जा रहे ट्रक से मूसा नगर पुलिस ने ट्रक रोक चालक के साथ की मारपीट, जेब में डले 10,500 रुपये भी छीने। वहीं ट्रक चालक ने बताया कि सब कागजात होने के बाद भी ट्रक सीज करने की दी धमकी। वहीं पुलिस ने मांगे थे 40,000 रुपये, चालक द्वारा रुपये न देने पर पुलिस ने की चालक के साथ मारपीट। अब देखना यह होगा कि आए दिन मूसा नगर पुलिस के ऐसे मामले होने के बाद भी आला अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे या फिर सिर्फ लिखी जाएगी जाँच। घाटमपुर से विक्की ठाकुर की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम मेहराब है, मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ। अच्छा, क्या मामला हुआ है आपके साथ? सर मैं मोरंग लोड करके आ रहा था। कहाँ से आ रहे थे? भेड़ी खदान से। तो मोरंग लोड करके आ रहा था तो मूसा नगर थाने जो पार की पार किया उस पार आए, पहले 100 नंबर वाले ने आए, उन लोगों ने रुका लिया हमको, तो हम रुक गए। हमने अपना कहा कागज वागज है, हमने सब कुछ दिखा दिया उनको, कागज पत्र दिखा दिए। उसके बाद में पीछे से एक सिपाही और आ गया, तो उन्होंने उतरते साथ ही हमको नीचे खींच लिया। खींचने के बाद में 2-3 राफ्टे भी मारे, हाथ पकड़ के दुनेने लगे। मार क्यों रहे हो? तो कहा कि 40,000 रुपये दो या तो गाड़ी घुमाओ थाने लेके चलो। तो हमारे पास सर इतना पैसे नहीं था, 40,000 रुपये, हमारी जेब में सिर्फ 10,500 रुपये था। उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे जेब से निकाल लिया, मारा भी हमको, उसके बाद में मारने के बाद में छोड़ दिया हमको। नहीं तो आपके पास जब पूरे डॉक्यूमेंट्स थे फिर भी आपने आपसे पैसे उन्होंने मांग की, कौन से थाने की पुलिस थी? मूसा नगर थाने की। सर आपने और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया इस बारे में? जी सर, और किसी से बात ही नहीं करने दी, हमारे मोबाइल पर सब कुछ छोड़ लिया था सर।